हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं दिखा रही हूँ कि मैंने गार्डन में कौन कौन सा काम किया है जो हमें विंटर से पहले कर लेना चाहिए। जैसे कि गार्डन की साफ़ सफाई, वो बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, ताकि आने वाले टाइम में विंटर में हमारा गार्डन साफ़ सुथरा और अच्छे से क्लीन हो जाए। तो ये देखिए, मैंने मेरे प्लांट्स ही कुछ प्लांट्स जिनकी साफ़ सफाई कटाई छटाई करी हुई है। जो बेकार पौधे हो गए हैं वो मैंने निकाल दिए हैं, और इनका भी हम किचन वेस्ट बना लेंगे, तो डिकम्पोज कर लेंगे, इनकी भी खाद हम बना लेंगे। तो ये मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट कर दिए हैं। ये विंटर के ही प्लांट है, लेकिन बहुत सारे हो गए थे मेरे गार्डन में, तो जहाँ जहाँ मुझे पॉट खाली करने थे तो वहाँ पर मैंने वहाँ से मैंने इनको निकाल दिया है। बहुत सारा कचरा हमारे गार्डन में इस टाइम निकलता है, तो ये बहुत ही अच्छी पत्तियों की खाद बन के तैयार होगी। ये देखिए कितना सारा कचरा निकला हुआ है, और ये कुछ पॉट्स मैंने खाली करे हैं, इनकी मिट्टी को मैंने धूप लगा ली है निकाल के, तो अभी विंटर में हमारे काम देंगे। ये देखिए हैंगिंग सब का मैंने निकाल के इतने अच्छे से धूप लगा ली है। आप भी अपनी मिट्टी को इस टाइम पर अच्छे से धूप लगा लें, और अपना सर्दियों के प्लांट के लिए उसको तैयार करके रखें। देखिए इसमें अम्ब्रेला पाम है, ये इसमें से सारा मैंने जो सूखी पत्तियाँ थी वो हटा दी, और वहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये जो मेरा करेले की बेल वहाँ पर चढ़ी हुई थी वो सारी मैंने वहाँ से कट करके हटा दी है। जो भी हम लोग यहाँ खाले करते हैं, जो भी उनकी मिट्टी होती है उसको धूप जरूर लगा लें, 2-3 घंटे की बहुत धूप थी धूप। तो अगर आपको ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा आप धूप लगा सकते हैं, तो पूरे दिन की भी धूप लगा सकते हैं, लेकिन धूप लगाने का मतलब है कि मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए, बिल्कुल नहीं सुखानी है मिट्टी को हमें, मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए, वही ज़्यादा अच्छी रहती है। जो भी प्लांट की कटाई छटाई हमें करनी है, जिनकी ग्रोथ ज़्यादा हो गई है, जो हमें अब इस टाइम पे हटा देने हैं, वो पौधे सारे मैंने हटाए हैं। तो आप भी अपने गार्डन में ये काम कर लीजिए अगर आपको विंटर गार्डन की तैयारी करनी है। तो ये देखिए दोस्तों, कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं कनेर में। येलो कलर का है, लाइट येलो, बिल्कुल बहुत ही सुंदर कलर है इसका। ये देखते हैं, बहुत ही हैवी फ्लावरिंग ये कर रहा है इस टाइम पर। देखिए कितनी सारी कलियाँ इसमें बनी हुई हैं, ये देखो बहुत सुंदर लगते हैं इसके फ्लावर। ये देखिए बिल्कुल कलियों से भरा हुआ है, और ये देखिए कैना लिली येलो वाली, बहुत सुंदर लगते हैं। बहुत सारे फूल खिले थे इसमें भी। यहाँ पर ये देखिए चंपा, वाइट चंपा, इसके फ्लावर भी बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू इनमें आती है। ये मिर्ची का प्लांट है, इसको भी मैं अभी यहाँ से हटा दूँगी और दूसरे पॉट में इसको मैं शिफ्ट कर दूँगी, इसकी प्रूनिंग करके और दूसरे पॉट में इसको मैं शिफ्ट कर दूँगी। ये देखिए बहुत ही बड़ी क्यारी है जिसमें ये लगा हुआ है गमला, तो इसमें तो मैं विंटर की कुछ वेजिटेबल वगैरह ग्रो करूँगी, तो इसको मैं खाली कर दूँगी। तो दोस्तों, ये कचरा हमें फेंकना नहीं है, ये सारा हम डिकम्पोज कर लेंगे, जिसकी बहुत ही अच्छी खाद बनेगी हमारे प्लांट्स के लिए, और ये बहुत ही हेल्दी होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। ये भी मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से इसका
खाद बना के तैयार करना है, किस तरह से इसको डिकम्पोज करना है, मैं उसका वीडियो भी मैं लेकर आऊँगी। तो देखिए इस तरह से मेरे गार्डन का थोड़ा छोटा सा लुक इस तरह से आता है। बहुत ही सुंदर लगता है। और ये देखिए यहाँ पर ही मेरे करेले की बेल लगी हुई थी यहाँ पे, जिसको मैंने कट कर दिया। ये देखिए इसको भी मैं हटा दूंगी, जब ये धूप में सूख जाएगी तो ये अपने आप से निकल जाएगी। अभी इसको बहुत खींच के निकालना पड़ेगा या खुरपी से निकालना पड़ेगा, तो इसको मैंने छोड़ दिया। इसको मैं बाद में निकालूंगी जब इसमें से, जब इसकी मिट्टी को मैं धूप लगाऊंगी। ये क्यारी बहुत बढ़िया है, इसमें भी मैं विंटर की वेजिटेबल ही ग्रो करती हूँ। ये दो क्यारियाँ हैं मेरी, ये केरी यहाँ पे, दोनों बराबर से हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी क्यारियाँ हैं, तो इनमें मैं वेजिटेबल ही ग्रो करती हूँ सब्जी सर्दियों की। ये देखिए ये सारे गमले हटा के मैं सारी मिट्टी इसके निकाल के इसको मैं धूप लगाऊंगी, तो ये थोड़ी सैड हो जाएगी हमारी मिट्टी। ये देखिए यहाँ पे ऐसा लुक आता है मेरे गार्डन का इस तरह से। ये देखिए ये ऐसे, ये एक टेबल है जो पिलर पे बनाई हुई है, बिल्कुल सेंटर में है, राउंड शेप में है, बहुत ही सुंदर लगते हैं ये टेबल, जिस पे मैंने मेरे प्लांट रखे हुए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स बेबी सनरोज की हैंगिंग बास्केट, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये भी। जब मैंने हैंगिंग बास्केट का टूर करवाया था मेरे गार्डन के का, तो उसमें मैंने ये नहीं दिखाई थी, क्योंकि इसको मैंने साइड में रखा हुआ था शेडी एरिया में। ये बारिश में बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, अगर इन पर लगातार बारिश पड़े तो। ये तो थोड़ी बहुत देर की बारिश में तो कुछ नहीं होता। देखिए बहुत ही सुंदर लगते हैं इसके हैंगिंग भी, और छोटे छोटे फ्लावर आते हैं इसमें पिंक कलर के, जो बहुत ही अच्छा लुक देते हैं इसमें। और एक ये देखिए यहाँ पे, इनकी भी मैं प्रूनिंग कर दूंगी अब, और जो भी हमारी कटिंग्स निकलती हैं उनको हम लगा लूंगी मैं। तो आप भी अगर कोई कटिंग काम की हो वो हमें इस टाइम लगा सकते हैं कटिंग भी, क्योंकि बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए कितना अच्छा कलर इसका आ रखा है, क्योंकि अब ये ऊपर से सारी छोटी छोटी बहुत सारी फुटाव करी है इसने, तो ये अब हैंग करेंगी और इनको मैं कट कर दूंगी, इनको मैं कटिंग से ग्रो कर लूंगी, फिर दूसरे पॉट में दूसरी हैंगिंग तैयार कर लूंगी इनसे मैं। बहुत ही सुंदर लगता है ये। देखिए इस तरह से लेंटाना में कितने अच्छे फ्लावरिंग हो रखे है, बहुत ही सुंदर लगता है लेंटाना। तो दोस्तों आप भी अपने गार्डन में छोटी मोटी कटाई छटाई जो है वो कर लो इस टाइम पे, तो हमारे कुछ पॉट्स भी खाली हो जाते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें पॉट्स की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, और मिट्टी की भी, मिट्टी भी हमारी निकल आएगी और पॉट भी हमारे निकल जाएंगे इस टाइम, जो हमें आगे विंटर प्लांट लगाने में काम आएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय दोस्तों।